नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघर मोहल्ले में संचालित एक गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि गोदाम में रखा करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रीवा के घोघर मोहल्ले में संचालित रवि स्वीट्स की गोदाम में आज सुबह अचानक आग भड़क गई, जहां गोदाम के अंदर रखा लगभग 1.5 करोड़ रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना आज सुबह लगभग 9 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण अज्ञात है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं गोदाम के संचालक रवि आहूजा का कहना है कि उनके पड़ोसी द्वारा गोदाम से धुआं निकलने की जानकारी दी गई थी और जब गोदाम के संचालक ने वहां जाकर देखा तो आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। गोदाम के संचालक रवि आहूजा का कहना है कि उनकी ITC प्रोडक्ट की एजेंसी है और गोदाम के अंदर ज्यादा मात्रा में माचिस, सिगरेट, बिस्किट सहित हैंड वॉश, आटा, नमकीन सहित अन्य सामान रखा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए थी। घटना की जानकारी हमारे पड़ोसी जो है सुबह शक्कर यहाँ खाली कराने आए थे, तो 7:30 बजे गए, तब तक तो कोई ऐसी आग नहीं लगी थी। 8:30 बजे के आसपास मुझे किसी ने फोन किया कि आपके दुकान से धुआं निकल रहा है। मैं आया चाबी लेके, मैंने शटर खोला, अंदर आग लगी हुई थी। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, फायर ब्रिगेड को भेजा, 2 लड़के अपने वो लेके आए। जब तक फायर ब्रिगेड वाले 9:45 तक आ गए, उसके बाद अपन तब से पानी दे रहे हैं, अभी आग बुझी नहीं है। जो था क्या मानते हैं आग लगने का कारण? सर, रात को तो क्या मीटर हम डाउन करके जाते हैं हमेशा, क्या लगा कैसे लगा कुछ अभी जानकारी नहीं है अपने पास। लगभग कितने का नुकसान हो चुका है? 1.5 करोड़ के आसपास का अपना स्टॉक रहता है। ITC सिगरेट आती है उसकी, और बिस्किट हो गया, आटा हो गया, कुरकुरे, चिप्स, साबुन, हैंड वॉश, यही सब कंपनियों का काम है अपने पास। जी, रवि स्वीट फर्म का नाम है, संचालक में रवि आहूजा, प्रोप्राइटरशिप मेरी फर्म है जी। घोघर मोहल्ले में बड़ी पुल के नीचे जहाँ पर कि ट्रांसपोर्टर्स की दुकानें हैं, गोडाउन हैं, वहीं पर एक रवि आहूजा, रवि मिष्ठान नाम से दुकान खोला था, उसके ऊपर अपना गोदाम बना के रखा था, जहाँ पर कि होलसेल का भी काम करता है। उसी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसको कि फायर ब्रिगेड के माध्यम से बुझवा लिया गया है और उसमें जांच की जा रही है इसकी। हाँ, होल सेल का काम करता था, उसमें बीड़ी, माचिस, सिगरेट, नारियल, बिस्किट, नमकीन, इस टाइप के सारे होल सेल का काम करता था वो, तो उसी में अब किससे आग लगी है इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही बता पाएंगे कि सार सर्किट से लगी है कि माचिसों के कारण किसी ने लापरवाही से फेंक दिया। हालांकि वो छत के ऊपर है कमरा जो है, जिसमें ये सारा होलसेल का सामान रखा था, तो वहाँ तो कोई जला के कोई चीज़ फेंकेगा नहीं, तो ज़्यादा संभावना यही कि सार सर्किट से लगी है। और नीचे उसका होटल था, जहाँ पर कि वो किराना टाइप की दुकान किया हुआ था, जिसमें सारा ये बिस्किट, नमकीन और ये सारी चीज़ें बेचता था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।